अस्सलाम वालेकुम यम्मी कुकिंग रेसिपीज वेलकम। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज जो है मैं आपको नाश कहूँगी खोया की मामी सवैयों की रेसिपी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर हमने सवैयाँ ले ली है, हमारे पास हाफ प्याली है, आप देख सकते हैं इतनी हमने यहाँ पर ले ली है ये। और यहाँ पर हमारे पास खोया है, आप अपने जो है हिसाब से ले लीजिएगा जितना आपको पसंद हो। और बादाम पिस्ते और काजू हैं हमारे पास, तीनों चीज़ें हैं। और हाफ कप हमारे पास यहाँ पे चीनी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और चार अदद हमने यहाँ पे छोटी इलायची ले ली है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने इसके अंदर 2 कप पानी ऐड कर दिया था चाशनी बनाने के लिए इसकी। इसके अंदर जो है हम चीनी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा जो है जर्दे का रंग कर लेंगे। तो देखिए चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसके अंदर बॉयल भी आ गया है तो इसे निकाल लेंगे। तो इसमें जो है हम 3 टेबलस्पून जो है घी ऐड कर देंगे, छोटी इलायची ऐड कर देंगे इसमें। और जो हमने यहाँ पे बादाम पिस्ते काजू लिए हैं ये हाफ ऐड करेंगे इसमें। देखिए हमने इनको अच्छे तरीके से जो है भून लिया है। अब इसके अंदर जो है हम अपनी सवैयाँ ऐड कर देंगे, इनको भी भूनेंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए इसको हमने 5 मिनट तक जो अच्छे तरीके से जो भून लिया था, अब इसके अंदर अपनी जो है चाशनी जो हमने रेडी करी थी ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे इनको। तो देखिए हमने इसको अच्छी तरह से जो है 7 से 8 मिनट तक जो है भून लिया था, अब इसके अंदर हम खोया ऐड कर देंगे, कर लेंगे इनको मिक्स हम। तो बिल्कुल रेडी से निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे मज़ेदार से जो आज की रेसिपी है खोया की मामी सवैयों की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। तो आप रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अब मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।